हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक को जिसे आप देखने के बाद जो सौर सैनी भाषाएं होती हैं, जो हिंदी अपभ्रंश के जो भाषाएं होती हैं, वो अधिकांश एक दो नंबर की क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आप लोगों से नहीं बन पाते हैं। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ये मेरा प्रॉमिस है कि आप लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोगों के डिस्प्ले में कुछ इस तरह से दिख रहा होगा कि अपभ्रंश के आर भाषाओं का विकास किस तरह से हुआ। तो अपभ्रंश में शौर सैनी भाषा है, ये अपभ्रंश है। अब इससे आधुनिक आर्य भाषा का विकास कैसे हुआ? जैसे शौर सैनी में आता है राजस्थान, पश्चिमी हिंदी और गुजरात, ये आता है। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा लेकिन फिर भी आप लोग इसे भूल गए होंगे। लेकिन ये ट्रिक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। आप इसे एक बार देखिए और फिर देखिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए इसकी ट्रिक को मैंने किस तरह से बनाया हुआ है कि सौर सैनी अपभ्रंश का एक भेद है और इस पर पूरी ट्रिक बना दी है कि सौर सैनी राजा पश्चिम दिशा में गुजरात में रहते थे। सौर सैनी राजा पश्चिम दिशा में गुजरात में रहते थे। तो देखिए सौर सैनी अपभ्रंश का भाग है। अब राजा से राजस्थान होता है और पश्चिम से पश्चिमी हिंदी होती है और गुजरात से गुजरात होता है। तो इसमें देखिए कितना इजी हो गया है अब आप लोगों के लिए कि सौर सैनी हिंदी में राजस्थान आता है, पश्चिमी हिंदी आती है और गुजरात आता है। तो आप लोगों को सिर्फ एक कोटेशन याद करनी है। ये कोटेशन है कि सौर सैनी राजा पश्चिम दिशा में गुजरात में रहते थे। सिर्फ इसी को आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे कि सौर सैनी राजा पश्चिम दिशा में गुजरात में रहते थे, तो आपको एकदम याद हो जाएगा कि सौर सैनी हिंदी में राजस्थान आती है, पश्चिमी हिंदी आती है और गुजराती आती है। गुजराती आती है, गुजरात में रहते थे। तो अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि सौर सैनी जो हिंदी का एक भेद है, अपभ्रंश का भेद है, इसमें कौन कौन सी आधुनिक आर भाषाएं होती हैं। ये क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है, तो आप लोग इसे बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही एक और है, दूसरी ट्रिक है, उसे भी आप लोग बहुत इजीली याद कर लेंगे। ये हमारी ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2। ये बहुत कंफ्यूज होता है जो एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी हिंदी में कौन सी भाषाएं आती हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा लेकिन बस इस वीडियो को देखिए, दूसरी भाषा कौन सी है जो अपभ्रंश का भेद है, वो है मागधी। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मागधी है। अब मागधी में, अब आप लोग अगर ऐसे याद करेंगे कि मागधी में बिहारी आती है, उड़िया आती है, तो ये मागधी आती है, इसके बाद बांग्ला आती है, असमिया आती है। तो कैसे याद करेंगे अब आप देख लीजिए, मागधी अपभ्रंश का एक भेद है। अब इसमें बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, इस तरह से रटते रहेंगे रट्टू तोता बन करके, तो एग्जाम में भूल जाएंगे। जब आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन आप जब इस ट्रिक से याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। कैसे? कि मागधी में किस तरह से मैंने बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि बिहारी जी, बिहारी आती है ना, तो बिहारी जी उड़ने में मगन होकर बंगलों में असीमित डांस करते थे। बिहारी जी उड़ने में मगन होकर बंगलों में असीमित डांस करते थे। अब देखिए बिहारी जी से बिहारी आ गया, उड़ने में से देखिए उड़िया आ गया, अब मगन होकर मागधी आ गया। तो अब मागधी आपको बस याद रखना है कि मगध का एक भेद है। मगध आएगा तो आपको ये बिल्कुल याद नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग कि मगध है, मगध का भेद कौन सी, उससे किस भाषा का विकास हुआ, तो आप लोग डेफिनेटली इसको जान जाएंगे। बंगलों में से बांग्ला हो गई, इसके बाद असीमित से असमिया हो गई। तो बिहारी जी उड़ने में मगन होकर बंगलों में असीमित डांस करते थे, ये इसका मागधी भाषा के आर भाषाएं हैं। जो मागधी अपभ्रंश है उसकी आर भाषाएं क्या क्या हैं कि बिहारी जी उड़ने में मगन होकर बंगलों में असीमित डांस करते थे। तो मागधी से कर दिया है मगन होकर, फिर से एक बार देख लीजिए, बिहारी जी उड़ने में मगन होकर बंगलों में असीमित डांस करते थे। तो ये मागधी के भेद हैं, ये मागधी अपभ्रंश का है और ये उसके पूरे भेद हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करिए कि बिहारी जी उड़िया में उड़ उड़ कर उड़ते थे, मतलब उड़ने में इतने मगन हो जाते थे कि बिहारी जी उड़ने में मगन होकर बंगलों में असीमित डांस करते थे।
बस इतनी लाइन आपको याद करनी है और आपको मागधी के अपभ्रंश याद हो जाएंगे, कौन से भेद हैं मागधी अपभ्रंश। अब देखिए मैंने अभी आपको रिवीजन करते हैं, जो पहला वाला पढ़ा था शौर शैनी भाषाओं में कौन 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 सी होती है, अभी ही हम लोगों ने देखा था कि शौर शैनी में कौन कौन सा होता था। तो देखिए किस तरह से कि शौर शैनी राजा पश्चिम दिशा में गुजरात में रहते थे। तो शौर शैनी राजा राजस्थान, पश्चिम दिशा में पश्चिमी हिंदी, गुजरात में गुजराती रहते थे। तो ये दो क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। सो ये दो ट्रिक थी फ्रेंड्स हमारी, और जिससे आई थिंक मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये समझ में आई होंगी। ये ट्रिक के माध्यम से आप लोगों तक मैं याद कराना चाहती थी। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज जो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोस की अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।